जिहड़े साइन बोर्ड लगने चाहिए ने इस जगह उत्ते अगर इसनों खोलिया गया है तो साइन बोर्ड जरूर लगे होना चाहिए सीगा कि ये वन वे हैगा या नहीं ता कि लोग इस पढ़ के जड़े है अंदर एंटर करन या फिर ना करन पता लग जाए। सामने हुण इसने टर्न करनी है और वन वे होने के कारण दूसरे पासों गड्डियां भी आ रही ने और इस कारण हादसे कई अजिहे वापरते हैं ये कारण कि हादसों के कारण लोगों में झगड़ा भी होता है। इस अंडरपास जो खोलिया गया है तो इस दे कोल कोई साइन बोर्ड नहीं है कि यह वन वे है या टू वे है। इस जगह के उत्ते हर कोई गड्डी किसी पास भी आ रही है तो अंदर एंटर कर रही है। इस जगह पर भी देख सकते हो कि अंडरपास होंद हो टर्न लिया जाता है अगर इतने साइन बोर्ड लिया हाँ भी इतने टर्न करना मना है या फिर वन वे है तो हो सकता है कि यह ट्रक भी इतों ना मुड़ता या फिर किसी तरह का कोई होर साइन बोर्ड लग्या होता तो सब कुछ देखते दे। सत श्रीकाल जी, मैं हाँ गुरदीप सिंह लम्मे, तुसीं देख रहे हो लुधियाना टाइम्स। इस वेले असीं लुधियाना के लेयर वैली के कोल खड़े हुए हैं तो इत्थे अंडरपास जिहड़ा है उसकी शुरुआत की गई है। पूरे लुधियाना भर के अंडरपास बनाए गए ने, फ्लाईओवर बनाए गए ने, तो यह भी बनाया गया सीगा ट्रैफिक की समस्या तो निजात पाने के लिए इदा शुरुआत की गई सी। लेकिन हो की रहा है कि अद्धे प्रोजेक्ट जिहड़े ने वो पूरे नहीं हो सके और इस दे कारण प्रोजेक्ट अद्धे होने के कारण बहुत मुश्किलों का सामना जिहड़ा करना पै रहा। हुण देख सकते हो कि सामने हुण इसने टर्न करनी है और वन वे होने के कारण दूसरे पासों गड्डियां भी आ रही ने और इस दे कारण हादसे कई अजिहे वापरते हैं ये कारण कि हादसों के कारण लोगों में झगड़ा भी होता है। थोड़ा दूसरे पासों गड्डी भी आ रही है तो यह भी अंडरपास के अंदर जी है गड्डी जानी है ब्लैक रंग की, उसी गड्डी देख सो यह भी हुण अंदर जानी है। तो इदां दी ट्रैफिक की समस्या जी बनती जा रही है अंडरपास के। हालांकि ये लेयर वैली का एक अंडरपास नहीं है तो इस तो अगे सैकंड हार्ट स्कूल है जोड़ा तो उस स्कूल के कोल भी अंडरपास बनया वह भी प्रोजेक्ट बनाया गया तो उस प्रोजेक्ट के तहत जोड़े है रेलवे लाइन के कोलों भी अंडरपास कटे गए हैं तो पूरे लुधियाना भर के अंडरपास बन रहे हैं। लेकिन इस अंडरपास जो खोलिया गया है तो इस दे कोल कोई साइन बोर्ड नहीं है कि यह वन वे है या टू वे है। इस जगह के उत्ते हर कोई गड्डी किसी पास भी आ रही है तो अंदर एंटर कर रही है। लेकिन तुहानू दस दिए कि इस अंडरपास लेके जिहड़े आ मेयर का भी बयान आया, उन्हों का बयान आया कि इस जगह के उत्ते बोर्ड जल्दी लगाए दिए जाएंगे, साइन बोर्ड लगाए जाएंगे कि यह जिहड़ा अंडरपास है ये वन वे हैगा या नहीं, किस पासे नूं जांदा आ, क्योंकि ज़्यादातर लोग इत्थों जदों गुजर रहे ने तो गड्डियां दे लंबे लंबे जिहड़े जाम लग रहे ने। तो सामने देख सकते हो ट्रक भी खड़ा होया, गड्डी भी इत्थे खड़ गई है, किन्नियां गड्डियां दे पिछे जाम लगते हैं। लेकिन ज़्यादा मुश्किल उस वेले आउंदी है जदों स्कूल नूं छुट्टी हुंदी है अते इस जगह दे उत्ते जो गड्डियां निकलदियां ने बाहर जां इधर अंडरपास दे अंदर हो के विच दी हुंदिया होया पखवा रोड वाल जिहड़ी है ये रोड जांदी पई है तो उस जगह पर जाके जोड़े है ज़्यादा जाम दिक्कतां जिहड़ियां सामने आउंदियां ने। तो हुण रोज़ दे रोज़ इस जगह के उत्ते एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं क्योंकि बिल्कुल अंदर जो असीं जाने अंडरपास दे तो ये अंडरपास बहुत डीप है और गड्डियां ज़्यादातर कई बार की होंदियां ने कि तेजी दे नाल आउंदियां ने तो इस दे कारण पिछे जाम लगने शुरू हो जांदे जां टकरा जांदियां ने। तो हुण इस जगह पर भी देख सकते हो कि अंडरपास विच दी होंदियां होया टर्न लिया जाता है अगर इतने साइन बोर्ड लिया हुंदा भी इतने टर्न करना मना है या फिर वन वे है तो हो सकता है कि यह ट्रक भी इतों ना मुड़ता या फिर किसी तरह का कोई होर साइन बोर्ड लग्या होंदा तो सब कुछ देखते दे। तो सामने देख सकते हो कि किस तरीके मुश्किल जड़ियाँ आम लोगों आ रही ने। लेकिन इस पर जवाब देना भी बनता है कि जेडे इस रोड को खोलिया गया है ट्रैफिक की समस्या तो निजात पाने लिए खोलिया गया है लेकिन इस जगह के उत्ते सिर्फ अद्धा काम होया है, एक पा जो अंडरपास खोल दिता गया दूसरा हाले नहीं खोलिया। इस कारण इतने ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या जी आ रही है। इस तो पहले अंदर दूसरे पास की गल की जाए जरा सैकंड हार्ट स्कूल के कोलों अंडरपास निकलता है तो उस जगह के उत्ते पहला उसनों खोलिया गया सीगा, कुछ दिनों खोलन तो बाद उसनों दोबारा तो बंद कर दिता गया। लेकिन हुण दोबारा तो कहने भी अंडरपास के वन वे आ भी दोनों पास गड्डिया ने टकराउंदे ने पईआं ने पर फिर भी लंघण वाले सहूलत औखे सौखे लंघ जाने अगे दो दो घंटे लंघ हुंदे साडे कोल ते बहुत उपर दी घुम के आने फिर भी चंगा थैंक यू मैं बंद ना करा दो कि सो देख सकते हो आम लोग भी परेशान ने, उन्होंने कहना है कि अंडरपास बड़ी मुश्किल ना खुले है दोबारा बंद ना किया जाए। लेकिन जिहड़ा अंडरपास वन वे हैगा तो उस दे विचों गड्डियां जिहड़ियां दोनों पासे गुजर रही तो यह मुश्किलां लोगों नूं देख सकते हो कि जिहड़े लोग बड़ी दूर तो घूम के आउंदे सीगे जां उन्हां नूं उपर दी सारा शहर घूम के वापस जिहड़ा इस लेयर वैली वल नूं आउणा पैंदा सीगा तो हुण उन्हां नूं इस जगह तो राहत तो जरूर मिली है। लेकिन
ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਨ ਵੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਪਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੇਅਰ ਵੈਲੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਪਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਨ ਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਵਧੇਰੀ ਅਪਡੇਟ ਸੀ ਜੋੜ ਦਾ ਟਾਈਮਸ ਨਾਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ ਲੁਧਿਆਣਾ।